अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उस रेसिपी का नाम है मोज़रेला चीज़। चीज़ से बेतहाशा रेसिपी बनाई जाती हैं और चीज़ के बगैर कोई रेसिपी मुकम्मल नहीं हो सकती। ख़ास तौर पे बर्गर पिज़्ज़ा खाने वाले लोग हैं, उनके लिए तो भाई मोज़रेला चीज़ हो, इस मोज़रेला हो या चैटरल हो, दोनों ही ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए, बर्गर बनाने के लिए, बन कबाब बनाने के लिए, या फिर आप चीज़ बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, ख़ासकर गार्लिक ब्रेड, कबाब, मटका पिज़्ज़ा, स्नैक्स रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। वेज बर्गर, पिज़्ज़ा, चीज़ जो है बहुत सारी चीज़ जो है बहुत सारी रेसिपी में इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर पर गार्लिक ब्रेड, कबाब, मटका पिज़्ज़ा, स्नैक्स पिज़्ज़ा, सैंडविच बर्गर में भी इस्तेमाल की जाती है। तो हमने सोचा कि आज आपको क्यों ना मोज़रेला चीज़ बनाना सिखाएं, और वो भी होममेड तरीके से। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए 1 लीटर मिल्क ले लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और बहुत अच्छा मिल्क लेना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका मिल्क होगा उतनी ही अच्छी चीज़ आपकी तैयार होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर बाड़े से मंगवाया है ये दूध। हो सके तो आप बाड़े का मिल्क जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा और ठीक होता है, और जितना भी आपका अच्छा मिल्क होगा उतनी ही अच्छी आपकी चीज़ तैयार। यहाँ हमने मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए 1 लीटर दूध लिया है, इसे हम कढ़ाई में ऐड करेंगे। और दूसरी बात है, इस मिल्क को जो है वो कच्चा होना ज़रूरी, यानी दूध का कच्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने कच्चा दूध 1 लीटर लिया है, जिसे अब हम ऐड करेंगे कढ़ाई में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने 1 लीटर मिल्क लिया है, जिसे हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है और फ्लेम को हमने नॉर्मल मीडियम रखा है। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए 1 लीटर कच्चा दूध कढ़ाई में ऐड कर दिया है। हमने करना है नीम गर्म, ज़्यादा इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, बल्कि से नीम गर्म करेंगे, इतना कि हमारी उंगली इस दूध में डालें तो वो बर्दाश्त कर सके, इतना हमने इसको गर्म कर। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई के अंदर 1 लीटर मिल्क शामिल कर दिया है, और ये जो मिल्क है वो कच्चा है। अब हम इसे नीम गर्म जो है इसको जो है हल्का सा हम गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, इतना गर्म करेंगे ताकि हमारा जो मिल्क है वो एक उंगली में डालें तो ये उंगली को बर्दाश्त कर सके। ये देखिए हम इसे चला इसलिए रहे हैं ताकि दूध जो है मुकम्मल तौर पर, करने का मकसद ये है कि ताकि सारा दूध जो है वो एक साथ गर्म, हाँ इक्वली गर्म हो जाए। यहाँ पर हमें मिल्क के अंदर मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है। इस चम्मच को चलाने का मकसद ये है ताकि जो हमारा ये मिल्क हमने 1 लीटर डाला है, ये एक साथ ही यानी इक्वली इसका टेम्परेचर रहे, तो दूध जो है वो नीचे की साइड से जो है वो ज़्यादा गर्म रहता है और ऊपर का ठंडा रहता है, इसलिए हमने इसको मिल्क को चलाते रहना है। फ्लेम मीडियम होना चाहिए, चम्मच चलाते रहना चाहिए, टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए मिल्क का। ये फिंगर को हमने मिल्क में डाला है, यानी नॉर्मल दूध है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। यानी यहाँ देखिए फिंगर डाली, ऐसा लग रहा है कि मैं इस मिल्क में फिंगर रख सकती हूँ, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो फिंगर नहीं रख सकती। अब मैं कर दूंगी फ्लेम को ऑफ। यहाँ मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1/3 कप, यहाँ पर 1/3 कप हमने सिरका लिया है, लेकिन इसको हम या तो आप 5 से 6 टेबल स्पून लें या तो 1/3 कप सिरका लें और इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे इस मिल्क के अंदर और इसे चलाते जाएंगे। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा सिरका इसमें ऐड करती जा रही हूँ इस मिल्क के अंदर, और इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाती जा रही हूँ। फिर डालेंगे हम थोड़ा, फिर चलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, हम चलाते रहेंगे। सिरके को मिल्क दोबारा डाला मैंने, फिर इसको चलाया,
सिरका डालने में आप बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो जाएगा हमारा मिल्क। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सिरका डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। जैसे ही हमने इसमें सिरका डालना शुरू हुआ तो ये दूध जो है हमारा, हाँ दूध फट चुका है, और जो हमारा जो चीज़ है मोज़रेला से खट्टा, ये खट्टी होती जा रही है, खट्टा करते जा रहे हैं हम कढ़ाई के अंदर। इसको देखें, पानी जो है वो अलग होता जा रहा है और चीज़ हमारी खट्टी होती जा रही है। हमने जो है ना, दूध फटने के बाद पानी जो है ग्रीन अलग हो चुका है, और ये देखें माशाल्लाह से चीज़ जो है वो अलग हो गई है, खट्टा कर लिया हमने इसको। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। तमाम चीज़ मैंने इकट्ठी कर ली है, और मैं इसको एक हाथों की मदद से इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो उसमें से निकाल लूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी चीज़ बनके तैयार हो गई हमारी। ये देखिए पूरा मैंने पानी इसका निकाल लिया है, अब मैं इसे चिल वाटर में डालूँगी। देखिए चिल वाटर से बर्फ़ भी मौजूद है, मैं इस चीज़ को इसमें डाल दूँगी। हम ठंडे पानी में इसलिए इसको डालते हैं ताकि इसमें जो खट्टापन है सिरके का, वो पूरा का मुक्का ऐड किया है वो मुकम्मल तौर पर इसमें से निकल जाए। तो हम निकालेंगे इसको। ये देखिए जैसे काफ़ी अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें हासिल हो गई है। ये सिर्फ आप अगर इसी तरह से आप फॉलो करेंगी पूरी वीडियो को तो आपकी अच्छी चीज़ तैयार होगी, लेकिन आपका मिल्क जो है वो अच्छा होना चाहिए। दोबारा हम इस पानी में डाल देंगे इसको, तकरीबन 1-2 सेकेंड हम इस पानी में डालेंगे इसको, फिर बर्फ़ के पानी से निकालेंगे चीज़ को, और फिर दोबारा से हम इसका खट्टापन जो होता है सिरके का उसको ख़त्म करने के लिए इसको पूरी ताकत के साथ निचोड़ेंगे, यानी इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं आप, मैं किस कदर इसको देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से इसको निचोड़ रहे हैं। देखिए हमने गर्म पानी एक बॉल में ठंडा पानी लिया था जिसमें हमने चीज़ को डाला था, और यहाँ पर हमने लिया है गर्म पानी। अब इसमें हम थोड़ा सा हसबे ज़रूरत नमक डालेंगे और इसे जो है वो अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। देखिए नमक को हमने मिक्स कर लिया है पानी के अंदर गर्म पानी में। अब इस ठंडे पानी से, ठंडे पानी में जो हमने चीज़ को ऐड करा था, बार बार 3 से 4 मरतबा हमने इस चीज़ को और डाला है, यानी समल को 4 से 5 मरतबा बीट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस गर्म पानी में हम इस चीज़ को डाल देंगे ताकि इसमें जो भी खट्टा बने वो निकल जाए, और फौरन इसको उठा लेंगे क्योंकि गर्म पानी में डालने से जो चीज़ है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो सिर्फ हमें डालना है 1-2 सेकेंड के लिए और निकालना है। ये देखें, ये देखें, बस हम इसको दोबारा से निकाल लें। ये देखें, और अच्छी तरह निचोड़ते जाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो एक कतरा भी चीज़ के अंदर बाकी ना रहे, वरना तो हमारी चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। पूरी ताकत के साथ हमें इसको निचोड़ना है, लगता है इसका पानी को निकालना है, फिर दोबारा डालेंगे इसको। दोबारा अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ना है। हम सारा पानी मैंने निचोड़ लिया इस चीज़ का, देख सकते हैं। उस लगानी है आपको इस चीज़ को पानी को निकालने में, इसमें एक कतरा पानी आपका बाकी नहीं रहना चाहिए। इसी अमल को हम 5 से 6 मरतबा गर्म पानी में डालेंगे और निकालेंगे, क्योंकि गर्म पानी में डालने से चीज़ के अंदर जो है वो लचक पैदा होती है, और इसके अंदर एक खिंचाव पैदा होता है, और ये बहुत, देखें आप इसकी लचक दिखा सकते हैं आपको मैं, ये देखें कितनी लचकदार ये चीज़ तैयार हो रही है। ये देखें इसकी लचक, देखें आप खिंचना शुरू हो गई है ये चीज़, ये देखें, ये देख सकते हैं आप। दोबारा से मैं इसका को डालूँगी और इसका बॉल बना लूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मोज़रेला चीज़ की रेसिपी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आप तैयार कर ली है। अब हम इसे क्लिंग रैप के अंदर रैप कर लेंगे अच्छी तरह से, टाइट करके इसको पैक कर लेंगे, यानी इस तरह से इसकी पैकिंग कर लेंगे ताकि ये एक अच्छे से शेप में हमें, देखें कितनी शाइनिंग है इसमें, ये देख सकते हैं। क्लिंग रैप में हमने इसको रैप कर लिया है टाइट करके, और हम देख सकते हैं हमने चीज़ को क्लिंग रैप के अंदर हमने चीज़ को, मोज़रेला चीज़ को पैक कर दिया है एक बॉल के अंदर। क्लिंग रैप करके बॉल के अंदर रख दिया, हम इसे रखेंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, उसके बाद हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। ये देखें, ये हमारी चीज़ जो हमने 2 घंटे फ्रिज में रखकर निकाल ली है, 2 घंटे हो गए इसको हमने फ्रिज में रखा था 2 घंटे के लिए। ये मोज़रेला चीज़ है जो हमने अभी आपको बनाना सिखाई थी। 2 आवर हो चुके, हमने चीज़ को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसका क्लिंग रैप को रिमूव करेंगे और आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह कितनी शाइनिंग इस चीज़ में मौजूद है, आप देख सकते हैं शाइनी बनी है बहुत ज़्यादा। मोज़रेला चीज़ हमारी रेडी हो चुकी है, 2 घंटे पूरे हो चुके हैं,
हमने इसे अच्छी तरह कस के कवर करके प्लास्टिक रैप के अंदर जो है कवर करके रखा था। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसका लुक किस कदर अच्छा आया है, बहुत शाइन कर रही है ये। हार की जो ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ बनाइए, इसका प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाते हैं किस तरह ये वर्क कर रही है। मोज़रेला चीज़ वर्क किस तरह करेगी ये आपको दिखाएंगे एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर। हमने ले लिया है एक ब्रेड, अब हम इसमें शामिल करेंगे चिल्ली गार्लिक सॉस। इस वक्त हमारे पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो इसलिए हम गार्लिक सॉस को इस्तेमाल करेंगे। तो चीज़ होती है वो ये मेल्ट नहीं होती। यहाँ पर हमने ब्रेड स्लाइस के ऊपर चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड कर लिया है। अब देखें ये हमने जो चीज़ बनाई थी मोज़रेला, अब हम इसके ग्रेट कर रहे हैं, हम ग्रेटर की मदद से चीज़ को जो हम ग्रेट करेंगे स्लाइस के ऊपर, फिर आपको इसका वर्क कर किस तरह ये वर्क करेगा। चीज़ को ग्रेट कर रहे हैं ब्रेड स्लाइस के ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर ब्रेड के ऊपर जो है मोज़रेला चीज़ को जो है ग्रेट कर लिया था और उसके ऊपर हम हसब ज़रूरत चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं ब्रेड चिली फ्लेक्स हसब ज़रूरत, और अब हम इसमें डाल रहे हैं हसब ज़रूरत ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हम इसमें डेवलप हो जाए। जैसे कि हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने बटर ऐड कर दिया हसब ज़रूरत। यहाँ पर देखिए हमने ब्रेड स्लाइस को इसमें ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट हम इसे कुक करेंगे कवर लगा के। ये देखिए हमने कवर लगा दिया है और हम इसे लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे 1 से 2 मिनट ताकि हमारी जो मोज़रेला चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। लेकिन वो मेल्ट तो नहीं होगी क्योंकि ये है होममेड। हाँ, इसमें जो तार जो है वो ज़्यादा बनते हैं, जो घर में आप होममेड बनाते हैं उसमें स्ट्रेच ज़्यादा होता है, मेल्ट कम होती है, और बाहर की जो है वो मेल्ट भी होती है और स्ट्रेच भी ज़्यादा होती है। तो हमने यहाँ पर आपको बनाना सिखाई है मोज़रेला चीज़। अब 3 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, हमारा जो ब्रेड है वो रेडी हो चुका है, चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप तार कितने ज़्यादा स्ट्रेच है ये और तार बन रहे हैं, देखिए किस तरह तार बन रहे हैं। रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।